केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास कराए गए 3 किसान विधेयकों के विरोध का सिलसिला अब ग्रामीण अंचलों की ओर समाजवादी पार्टी ने तेजी से चला रखा है। इसी क्रम में बछरावा के पूर्व सपा विधायक रामलाल अकेला ने मऊ गांव में एक चौपाल लगाकर तीनों बिलों को किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक बताते हुए केंद्र सरकार को चेताया कि यदि तत्काल तीनों बिल वापस नहीं लिए गए तो किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। यह बातें श्री अकेला ने गांव के ही श्याम भवन सिंह के प्रतिष्ठान पर आयोजित सभा में बोल रहे थे। आपको बता दें कि श्री अकेला ने कहा कि भाजपा स्वभाव और जन्म से किसान विरोधी रही है। उसका रुख सदैव धन्ना सेठों, उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के प्रति हमेशा नरम रहा है। यह जगजाहिर है कि जब पूरा देश आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो भाजपाइयों के पूर्वज अंग्रेजों की चमचागिरी करने में लगे हुए थे। उन्हीं भाजपाइयों के वंशज आज किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मोदी और योगी को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक समाजवादी पार्टी का एक भी सिपाही बचा रहा तब तक मोदी और योगी के किसानों को कुचलने का मंसूबा कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने नौजवानों, किसानों, महिलाओं, समाज के दबे कुचले अगड़े पिछड़े सभी वर्गों को भाजपा का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को मदद करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि तीनों कृषि विधेयक सरकार को वापस लेने के लिए सपा विवश कर देगी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, लूट और डकैतियों की घटनाओं में बाढ़ आने के लिए योगी के शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में तभी परिवर्तन आएगा जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस मौके पर राजू सिंह अध्यक्ष सोसाइटी, राजकुमार सिंह उर्फ मोंगा, श्याम भवन सिंह, भोलू सिंह, रामचंद्र यादव, संतु सिंह, बजरंग सिंह, देशराज, मुकुल बीडीसी, डॉक्टर माताफेर सिंह, रामबरन यादव, शैलेंद्र सिंह उर्फ सिंपल, डब्बू सिंह प्रधान प्रतिनिधि सिकंदरपुर, पन्ना सिंह, अब्दुल रहमान आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, संसद में पारित हुए तीनों किसान बिलों के संबंध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा जमाए बैठे हैं और लगातार जिद कर रहे हैं मोदी सरकार से बिल वापस लेने की, और मोदी सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे में किसानों ने एक ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में वो शामिल होंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या रुख है किसानों के प्रति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद देश का किसान, देश का नौजवान, देश का व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जितने भी कदम उठाए वो सब देश की जनता के खिलाफ उठाए। इनके जितने प्रयोग हुए, मैं थोड़ा सा पहले आपको ले जाना चाहूंगा कि जब इन्होंने अचानक रातों रात नोटबंदी का ऐलान किया, जिन्होंने कहा कि देश का काला धन नोटबंदी से वापस आ जाएगा। नोटबंदी के बाद जितनी नोट चलन में थी उतनी नोट बैंकों में जमा हो गई। कहां चला गया काला धन? एक पैसे का काला धन ये खोज नोटबंदी से नहीं कर पाए। नोटबंदी से हुआ क्या? नोटबंदी से गरीब आदमी मारा गया। नोटबंदी से जिनके घरों में बेटियों की शादियां थी उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, तकलीफें झेलनी पड़ी। तमाम लोग नोटबंदी में लाइन लगाकर जिंदगी और मौत से जूझ गए और तमाम लोगों की जिंदगियां नोटबंदी खा गई। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू करने के बाद पूरा हिंदुस्तान का व्यवसाय बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार, उन सब की दुकानें उजड़ गई, वो तबाह हो गए। तीसरा प्रयोग किया इन्होंने कोरोना काल में अचानक लॉकडाउन का। लॉकडाउन में करोड़ों करोड़ मजदूर जो रोटी कमाने के लिए बिहार में, बंबई में, कलकत्ता में,
पंजाब में चारों तरफ फैला था वो जहां तक तहां ठहर गया। उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूर होकर वह मजदूर परिवार के साथ बच्चों के साथ, कोई बंबई से पैदल निकला, कोई कलकत्ता से पैदल निकला, कोई दिल्ली से पैदल निकला, और उन मजदूरों के पांव में छाले पड़ गए थे। उनको रोटी तो रास्ते में लोगों ने उन्हें रोटी देने का काम किया। इन्होंने न बस का इंतजाम किया, न ट्रेन का इंतजाम किया, और सारे करोड़ों करोड़ों मजदूरों को इन्होंने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। यह इनका लॉकडाउन का परिणाम रहा। आनन फानन इन्होंने कोरोना काल में पार्लियामेंट के अंदर 3 कृषि बिल ला करके किसानों की कमर और हिंदुस्तान की कमर इन्होंने तोड़ने का काम कर दिया। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोरोना काल में रेल बंद हो गई, बस बंद हो गई, जहाज बंद हो गया, व्यापार ठप हो गया, कॉलेज बंद हो गए, बड़े बड़े मंदिरों के कपाट बंद हो गए, अमरनाथ का दरबार बंद हो गया, काशी विश्वनाथ का फाटक बंद हो गया, विंध्याचल के दर्शन बंद हो गए, सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों ने खेती का काम नहीं बंद किया। अगर उस बंदी के दौरान जब रेल बंद हुई, बस बंद हुई, जहाज बंद हुआ, कपाट बंद हुए, और देश का किसान भी अपना काम बंद कर देता, तो हिंदुस्तान का आदमी भूखों मर जाता। तो ये किसान भगवान जो विपत्तियों में खड़े होकर कड़ाके की सर्दी में, बरसात में, तपती धूप में अपना खून और पसीना बहाकर अन्न पैदा करके देश के लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, इसलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। किसान का एक बेटा कंधे पर राइफल लाद कर देश की सीमाओं की रखवाली करने का काम करता है, और किसान का दूसरा बेटा कंधे पर हल लाद कर धरती को चीर कर अन्न पैदा करने का काम करता है। इन्होंने 3 कृषि बिल ला करके और इस देश के अंदर अडानी अंबानी की निगाहें लग गई। जहाज एयरपोर्ट बेच दिया, बंबई के एयरपोर्ट बगैर टेंडर के इन्होंने अडानी ग्रुप को दे दिया, रेलवे बेच दिया, BHL बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब कुछ हिंदुस्तान में इन्होंने बेच दिया। अब अडानी अंबानी की निगाहें किसान की खेती पर लग गई, और उनके इशारे पर ये 3 बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट में लाने का काम किया था। मेरा सवाल है भाजपा की सरकार से कि जब आम बजट आप प्रस्तुत करते हो तो तमाम उद्योगपतियों को बुला करके आपने आप वित्तीय राय लेने का काम करते हो, लेकिन जब किसान बिल आपने लाने का काम किया तो आपने किसान संगठनों से, किसान प्रतिनिधियों से उन बिलों के बारे में राय और मशविरा करने का काम क्यों नहीं किया? तानाशाही हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई। आप किसानों के लिए बिल ला रहे हो, किसान कहता है ये बिल हमें मंजूर नहीं, तो आपको बिल वापस करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत वही है कि एक तरफ आपके सामने किसान खड़ा है और दूसरी तरफ अडानी और अंबानी खड़े हैं। क्योंकि अडानी और अंबानी आपको फंड देते हैं चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए, तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अडानी अंबानी से आप बंधे हुए हो, इसलिए किसान के पेट में लात मारकर और अडानी अंबानी के हितों में आप देश की जमीन को गिरवी रखना चाहते हो, इसलिए ये 3 कानून लाने का काम किया गया। आज किसान के घर में धान की पैदावार हुई, बात MSP की करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं MSP लागू है, लागू रहेगी, मंडी चालू है, चालू रहेगी, मंडी खत्म नहीं होगी। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं MSP का कानून आपने लागू किया था क्या?
एमएसपी लागू हुई 1965 में, जब इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे जी, तब उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना करने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की सरकार में एफसीआई 91,000 करोड़ के घाटे पर था और 6 साल की आपकी सरकार में एफसीआई का घाटा 3,92,000 करोड़ हो गया। यानी एफसीआई को भी आप बंद करना चाहते हो और आप किसान की पैदावार को अडानी अंबानी के गोदामों में पहुंचाना चाहते हो। जहां तक एमएसपी का सवाल है, किसान इतनी बात करता है, आज धान का मूल्य 1867 रुपए सरकारी मूल्य है। आज उत्तर प्रदेश के किसी किसान को मंडी में धान का दाम 1867 रुपया नहीं मिला, औने पौने दाम कोई 800 में, कोई 900 में, कोई 1100 में किसान अपना धान आढ़तियों के हाथ बेचने के लिए मजबूर है। किसान इतनी ही तो बात कर रहा है कि जिस तरह आप कृषि बिल लाए पार्लियामेंट में, उसी तरह एमएसपी का कानून पार्लियामेंट में लाओ और पार्लियामेंट से एमएसपी का कानून पास करो कि जो एमएसपी होगी, जो सरकारी समर्थन मूल्य किसान के लिए होगा, उससे कम अगर साहूकार खरीदे या सरकार, तो कम खरीदने वाले के खिलाफ एफआईआर काम करके उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। यही तो मंत्र रहा किसान। कौन से आपके घर की कोठी मांग रहा, रोटी मांग रहा आपसे? आप किसान अपने हक की बात कर रहा है और जब कानूनी दर्जा देने की बात आती है तो आप दहने बाएं की बात करते हो, कहते हो मंडी खत्म नहीं होगी। मऊ का किसान जाता है, महाराजगंज का किसान जाता है, समरोता का किसान जाता है मंडी में अपना धान लेकर के, तो मंडी का आदमी कहता है आज बोरा नहीं, आज पल्लेदार नहीं है, आज गोदाम खाली नहीं है, आज ट्रक नहीं आया, और 5-5 दिन तक किसानों की ट्रैक्टर ट्राली मंडियों में खड़ी हो जाती है और मजबूर होकर वह किसान अपना धान आढ़तियों के हाथ में औने पौने दाम बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। आपने भंडारण में छूट दे दिया, चाहे जितना भंडारण करो, कौन करेगा? मोदी जी, गांव के किसान के पास तो गेहूं बोने के लिए, बीज के लिए पैसा नहीं, खाद के लिए पैसा नहीं, पानी के लिए पैसा नहीं, बिजली बिल के लिए पैसा नहीं, और उसका अगर धान तैयार हो गया है तो जल्दी से इस कोशिश में है कि धान की बिक्री हो जाए तो हम बच्चे की पढ़ाई की फीस जमा करें, हम बिटिया के हाथ पीले करें, हम गेहूं का बीज खरीदे, हमका धान खाद का खाद खरीदने का इंतजाम करें। कौन किसान अपने घर में भंडारण करेगा? मोदी जी, भंडारण करेंगे अडानी अंबानी, जिनके 9,000 गोदाम पूरे भारत में बना करके आपने तैयार कराया है, और एक एक गोदाम 9,000 गोदाम, एक एक गोदाम 100-100 एकड़ में बनकर के तैयार हुआ है। तो जिस तरीके से किसानों के साथ छल करने का काम किया जा रहा है, एक तरफ किसान रात भर दिन भर खून पसीना बहाकर अपने खेतों में फसल उगाने का काम करता है और रात के कड़ाके की सर्दी में कंधे में लाठी लादकर किसान आवारा पशुओं से अपने खेतों की रखवाली करने का काम करता है, उसके बाद भी किसान की फसल नहीं बच पा रही है। तो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रहार हमला अगर किसी के ऊपर हो रहा है तो किसानों के ऊपर हो रहा है। इसलिए तीनों कृषि बिल, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल हो, चाहे आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम का सवाल हो, चाहे एमएसपी का सवाल हो, ये सारे तीनों के तीनों कानून किसान विरोधी है। और 100 लोगों के मरने के बाद भी मोदी सरकार के कान में चुन ही रेंग रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का कुछ हो नहीं सकता। ये का देश है, ये राम का देश है, ये रहीम का देश है। भगवान राम ने भी एक आदमी के प्रश्न करने पर मां सीता की परीक्षा लेने का काम किया था, एक आदमी की शंका पर। आ तो करोड़ों करोड़ों किसान हिंदुस्तान का, मोदी जी तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है, अगर नैतिकता हो तुम्हारे अंदर तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज किसान मरने और मारने पर आमादा, इसलिए कि किसान के भविष्य का सवाल है,
बच्चों के रोजगार का सवाल है, बच्चों की रोटी का सवाल है। आज सारे कॉलेज बंद है, पढ़ाई चौपट हो गई, व्यवसाय बंद हो गया, रोजगार खत्म हो गया। कैसा देश बनाना चाहते हैं? इसलिए मैं और हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह किसानों के आंदोलन के साथ हैं। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव ने सदैव किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। हमारे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में किसानों को फ्री पानी देने का काम किया था, हमने सस्ती खाद देने का काम किया था, हमने सस्ती बिजली देने का काम किया था। और अखिलेश यादव की सरकार में कहीं भी किसान को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई नहीं। है मोदी जी, मेरा सवाल है, किसान का सवाल है, ये तुम्हारा पेप्सी वाला दो आलू का चिप्स बनाता है, हवा भर के तैयार कर देता है और चिप्स का पैकेट 10 रुपए में बिकता है, तो 1 किलो आलू में कितना चिप्स बनता होगा? 10 रुपया किलो किसान से आलू खरीद कर और आपका उद्योगपति 1-1 किलो आलू में 200-200 रुपया मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। तुम्हारा बिस्कुट वाला हमारे गेहूं के आटे से मैदा से बिस्कुट बनाकर तैयार कर देगा और कहेगा ये बिस्कुट 10 रुपए कीमत का है, लेना हो ले, न लेना हो न ले। किसान यही मांग कर रहा है कि अगर चिप्स बनाने वाला चिप्स का दाम निर्धारित करता है, अगर बिस्कुट बनाने वाला बिस्कुट का दाम निर्धारित करता है, अगर कपड़ा बनाने वाला कपड़े का दाम निर्धारित करता है, तो फिर किसान जो आलू पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उस किसान को भी उसका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देना पड़ेगा, देना चाहिए। यही मांग तो किसान की है, यही मोदी जी नहीं करने देना चाहते। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर उतरा है और 26 जनवरी को यह देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हमारा भी है, आपका भी है, सबका है, न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, यह देश सारे हिंदुस्तानियों का है। इसलिए अगर तिरंगा तुम फहराना चाहते हो तो तिरंगा सारा भारतवासी फहराना चाहता है और तिरंगा फहराने से आप किसी को रोकने का काम नहीं कर सकते। इसलिए किसानों ने जो दिन ठानी है कि हम वतन की आजादी के दिन 26 जनवरी को अपना तिरंगा लेकर अपना अधिकारों के लिए देशवासियों को जगाने का काम करेंगे, इसलिए हम सारे के सारे लोग किसानों के पक्ष में खड़े हैं और मांग करते हैं कि सारे तीनों कृषि बिल तत्काल वापस लिए जाए और नए सिरे से किसानों से बात करके और किसानों के हक में देश के अंदर नए कानून बनाने का काम किया जाए, जिससे किसानों के मुरझाए चेहरे में मुस्कान लाई जा सके और किसानों की आमदनी दोगुना और 3 गुना बढ़ाने का काम किया जा सके। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सदैव किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, व्यापारियों के हक में और हमारे विधानसभा क्षेत्र बछरावा के विकास के हक में आपने सदैव योगदान देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, अपनी जनता के माध्यम से आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। Thank you.